नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दक्षिण एशिया एक बार फिर से जंग का अखाड़ा बनने जा रहा है। अमेरिका ने इसके लिए लगभग पूरी तरह कमर कस ली है। काफी वक्त से चीन से खार खाए बैठे अमेरिका को अब जाकर वह मौका मिल गया है जब चीन की दादागिरी पर वैसी दवार कर सकता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका इस मुद्दे पर भारत का साथ लेने के प्रयास में है। इसकी वजह भी बड़ी स्पष्ट है। ट्रंप प्रशासन की रणनीति हिंद महासागर क्षेत्र को अमेरिका के लिए इस्तेमाल करने की है, जो यकीनन कुछ शर्तों के साथ मोदी सरकार दे सकती है। अमेरिका द्वारा मिसाइल और टोरपीडो के सौदे को मंजूर करना इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। यानी दुनिया में पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इस खेल की बिसात पर दो मोहरे जम चुके हैं, जिसमें एक तरफ चीन है जबकि दूसरी तरफ यूरोपियन देश और अमेरिका मौजूद है। चौंकाने वाली बात यह है कि रूस अभी किसी करवट नहीं बैठ पाया है। यह वर्ल्ड वार की उस पृष्ठभूमि के तैयार होने का संकेत भी है जिसमें चीन को पूरी तरह ध्वस्त करने की रणनीतियां बन रही है। पर इससे पहले कि आसमान में गंधक की गंध फैले, आर्थिक रूप से चीन की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली गई है। यूरोपियन देशों में चीन का निर्यात 88% घट गया है, जबकि अकेले अमेरिका में यह 52% से भी कम हो गया है। भारत की बात करें तो यहां चीनी वस्तुओं की मांग में 90% की कमी आई है, जबकि भारत के निर्यात में केवल 35% की कमी आई है। भारत से 55 देशों को गई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की खेप ने भारत के इन देशों से घनिष्ठ संबंध बना दिए हैं। इसमें अफ्रीका महाद्वीप के वे देश भी शामिल हैं जो चीन के सामने कभी दुम हिलाते थे। आज इन देशों में भारत का डंका बज रहा है। हालांकि दुनिया में बढ़ती भारत की लोकप्रियता की वजह से इस दवा के एपीआई को देने में चीन हिलावाली कर रहा है। चीन भी यह दवा दुनिया के देशों को बेच सकता था, मगर चीन के पास यूएसएफडीए द्वारा मान्यता प्राप्त प्लांट कम है। फिर जब दवा में विश्वास की बात आती है तो अमेरिका सहित दुनिया का कोई भी देश भारत पर अधिक भरोसा करता है। भारत के पास एक मानक है और भारत द्वारा उत्पादित दवाइयों की विश्वसनीयता अधिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को बार बार खुली धमकी दे रहे हैं। उनको अमरीकियों और यूरोप के लोगों का भी साथ मिला है। ट्रंप ने कल एक बार फिर चीन को ललकारते हुए कहा कि अगर कोरोना प्रसार के लिए चीन दोषी पाया गया तो अमरीकी कोप का शिकार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजिंग को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रसार के लिए अमेरिका ने चीन को दोषी ठहराया है, पर यह सोच केवल अमेरिका या यूरोप की ही नहीं है, बल्कि भारत भी चीन की बर्बादी को विश्वसाध्य के रूप में देखता है। चीन की विस्तारवादी नीतियों से उसके सभी पड़ोसी परेशान हैं। वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस के साथ तो दक्षिणी चीन सागर को लेकर मतभेद जग जाहिर है। कहा जा रहा है कि चीन ने फिलीपींस के चारों तरफ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जहाजी बेड़े को तैनात कर दिया है। इसी हफ्ते चीन ने वियतनाम के एक जहाज को समुद्र में डुबो दिया था, जिसके बाद से अमेरिका को ड्रैगन की घेराबंदी का मौका मिल गया है। बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस की आड़ में अमेरिका के लिए चीन पर वार करना आसान हो गया है। दुनिया चीन के खिलाफ है। ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और यूरोप की बहुत सी कंट्री कोरोना वायरस से हुई मौतों के लिए चीन को जिम्मेदार मान रही है। वे अमेरिका को चीन पर एक्शन लेने के लिए उकसा भी रही है। ऐसे में संभव है कि इस महामारी से निजात मिलते ही अमेरिका चीन पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। यानी चीन को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर उसे रणनीतिक रूप से भी धूल चटाई जा सकती है। यानी विश्व युद्ध की आहट अब खुलकर महसूस की जाने लगी है। पर सवाल यही है कि इस विश्व संघर्ष में भारत की क्या भूमिका होगी? अगर अमेरिका चीन संघर्ष होता है तो भारत किसी भी हाल में अन्य देशों को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा, लेकिन समुद्री क्षेत्र को जरूर खोला जा सकता है। वैसे भी इस वक्त भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से समुद्री गश्त करते हैं। अमेरिका द्वारा भारत को मिसाइल और टॉरपीडो देने के मसले को भी विश्लेषण इसी जंग से जोड़कर देख रहे हैं, जहां विपरीत परिस्थितियों में भारत आत्मरक्षा कर सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सौदे को लेकर चीन की बजाय पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। चीन खामोश है और वह पूरा माजरा समझ रहा है। वह यह भी प्रयास कर रहा है कि भारत के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण नहीं बने, क्योंकि चीन को एहसास है कि देर सवेर उस पर अमेरिकी कार्रवाई होना तय है। ऐसा करने के लिए अमेरिका को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत होगी,
ऐसे में वह भारत से संबंध बिगाड़कर उसे पूरी तरह चीन के खिलाफ बिल्कुल खड़ा करना नहीं चाहता है। वैसे जिस तरह भारत में चीनी वस्तुओं को पूरी तरह आसिया पर कर दिया गया है और लोगों ने उन्हें खरीदना बंद किया है, उससे यही लगता है कि आज भारत को भी चीन से कोई सहानुभूति नहीं है। हालांकि अलीबाबा जैसी कंपनियां भारत में मदद भेजकर चीन के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिशें जरूर कर रही है, मगर सच्चाई यही है कि चीन का सूरज डूबने वाला है और अब उसको बचाने वाला कोई नहीं है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।